हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मुकेश सोनी फ्रॉम सिद्धिविनायक ग्लोबल स्कूल मिलकपुर। आई एम मैथ्स टीचर। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट क्लास सिक्स चैप्टर नोइंग अवर नंबर्स। तो इस चैप्टर में हमें नंबरों के बारे में जानकारी मिलेगी। तो ये हमारे टॉपिक्स हैं। फर्स्ट टॉपिक कंपेयरिंग नंबर्स। दो नंबर को कैसे कंपेयर करेंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल देर आर टू नंबर्स 79 एंड 453, विच इज ग्रेटर एंड विच इज स्मॉलर। तो ये चेक करने के लिए हमें देखना है कि किस नंबर में ज़्यादा डिजिट्स हैं। इस नंबर में तीन डिजिट्स हैं और इस नंबर में दो डिजिट हैं। तो जिस नंबर में ज़्यादा डिजिट होंगे वही हमारा ग्रेटर नंबर होगा। तो 453 इज़ ग्रेटर देन 79। अनदर एन एग्जाम्पल, इन दिस टू नंबर्स नंबर ऑफ डिजिट्स आर सेम। इस नंबर में भी तीन डिजिट है और इस नंबर में भी तीन डिजिट है। तो अब कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है, तो ये चेक करने के लिए हमारे पास सेकंड पॉइंट है कि आपको, जैसे कि हमारे पास ये वंस प्लेस होता है, ये टेंस प्लेस होता है, ये हंड्रेड प्लेस होता है। तो आपने 100 प्लेस वाले डिजिट को चेक करना है कि 100 प्लेस पर जो डिजिट है वो कौन से नंबर में बड़ा है। 5 और 7, 7 इज ग्रेटर देन 5, हैंस 793 इज ग्रेटर देन 567। एंड नेक्स्ट एग्जांपल, इन दिस नंबर ऑफ डिजिट्स आर सेम एंड डिजिट एट 100 प्लेस इज ऑल्सो सेम, देन वट विल बी टू। तो हम क्या करेंगे, 100 प्लेस के बाद हम चेक करेंगे टेंस प्लेस को कि जो टेंस प्लेस पे डिजिट है वो कौन सा बड़ा है। 6 इज ग्रेटर देन 4, 6 है वो 4 से बड़ा है, इसलिए 763 नंबर बड़ा होगा 743 से। इस तरीके से हम दो नंबर को कंपेयर कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हाउ टू मेक नंबर। नंबर कैसे बनाएंगे, यदि आपको नंबर ऑफ डिजिट्स दे रखे हैं जैसे कि 4, 3, 0, 9, तो इन डिजिट्स का यूज़ करके आपको नंबर्स बनाने हैं। अगर आपको कोई बोले कि भाई ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर बनाओ, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, तो ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए हम ग्रेटर नंबर से स्टार्ट करेंगे। ग्रेटर नंबर है 9, देन 4, देन 3 एंड देन 0। दिस इज द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। फिर आपसे बोले कि 3 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर कैसे बनेगा। इस हमारे पास 4 डिजिट्स में से एक डिजिट 0 है, तो इसलिए हम 3 डिजिट का नंबर भी बना सकते हैं। यदि कोई भी नंबर 0 से स्टार्ट होता है तो वह, अगर 4 डिजिट है, हम लिखेंगे 4 डिजिट से 3 डिजिट का नंबर बनाना है ग्रेटेस्ट, तो 0 को इग्नोर कर देंगे, जो हमारा ग्रेटेस्ट नंबर होगा, ग्रेटेस्ट डिजिट 9, देन 4 एंड देन 3। दिस इज
greatest three digit number. Then what is the smallest four digit number? Smallest four digit number कैसे बनाएंगे हम? तो हम start करेंगे छोटे number से बड़े number तक. यदि हम जीरो से स्टार्ट करेंगे तो वो तीन डिजिट का नंबर बनेगा. तो जीरो के बाद छोटा नंबर है हमारे पास थ्री, तो हम थ्री से स्टार्ट करेंगे. और थ्री के बाद क्या लेंगे? यदि हम फोर और नाइन को लेंगे तो वो बड़ा नंबर बन जाएगा, इसलिए हम सेकंड प्लेस पे लेंगे जीरो को. उसके बाद बड़ा नंबर है, बड़ा डिजिट है फोर, फिर नाइन. ये हमारा स्मॉलेस्ट फोर डिजिट का नंबर बनेगा. देन नेक्स्ट टॉपिक इज असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर. असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होते हैं? किन्हीं भी नंबर को, तीन या चार या पांच नंबर को अगर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में प्लेस करना है तो कैसे करेंगे? असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर से ग्रेटेस्ट नंबर की तरफ जाएंगे. पहले स्मॉलेस्ट नंबर को लिखेंगे, फिर उससे बड़े नंबर को, फिर उससे बड़े नंबर को, फिर सबसे बड़े नंबर को. ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर होगा. फॉर एग्जाम्पल, प्लेस देम इन असेंडिंग ऑर्डर. तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है हमारे पास 49, देन 63, देन 79 एंड देन 86. दिस इज द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ फोर नंबर्स. देन प्लेस देम इन डिसेंडिंग ऑर्डर. डिसेंडिंग ऑर्डर में इसका रिवर्स हो जाएगा, उसमें हम ग्रेटेस्ट से स्मॉलेस्ट की तरफ जाएंगे. जैसे कि 86, 79, 63 एंड 49. ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर होगा और ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर होगा नंबर्स का. नेक्स्ट टॉपिक इज शिफ्टिंग डिजिट्स. कोई भी नंबर दे रखा है हमें, जैसे कि 793. शिफ्टिंग डिजिट्स, डिजिट्स को शिफ्ट करना है. क्वेश्चन है 100 प्लेस पे जो डिजिट है और वंस प्लेस पे जो डिजिट है उनको हमने शिफ्ट करना है, इंटरचेंज करना है. तो शिफ्ट करने के बाद, इंटरचेंज करने के बाद हमें नंबर मिलेगा 397. यदि हम 793 के 100 प्लेस और वंस प्लेस को इंटरचेंज करेंगे तो उसके बाद हमें 397 नंबर मिलेगा. ये होता है शिफ्टिंग डिजिट्स. नेक्स्ट टॉपिक इज इंट्रोड्यूसिंग दिस. इसको इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे? इससे पहले हमें पता होना चाहिए नंबर्स के बारे में, विच इज ग्रेटेस्ट नंबर, विच इज स्मॉलेस्ट नंबर. जैसा कि हमें पता है स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर है हमारे पास 10, स्मॉलेस्ट. एंड ग्रेटेस्ट टू डिजिट नंबर होगा हमारे पास 99, टू डिजिट में. टू डिजिट में स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर है हमारे पास 10 एंड ग्रेटेस्ट टू डिजिट नंबर होगा 99. इन थ्री डिजिट्स हंड्रेड इज द स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट इज 3 times 9. दिस इज द स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर
एंड दिस इज द ग्रेटेस्ट थ्री डिजिट नंबर. द नेक्स्ट फोर डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर. 1000 इज स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर एंड 4 times 9 विच इज ग्रेटेस्ट फोर डिजिट नंबर. जैसा कि आपने देखा कि ग्रेटेस्ट टू डिजिट नंबर के बाद स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर आता है यदि हम उसमें 1 ऐड करें. ग्रेटेस्ट टू डिजिट नंबर में 1 ऐड करने पर हमें स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर मिलता है. ऐसे ही अगर हम ग्रेटेस्ट थ्री डिजिट नंबर में 1 ऐड करेंगे तो हमें स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर मिलेगा, और हम ग्रेटेस्ट फोर डिजिट नंबर में 1 ऐड करेंगे तो हमें स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर मिलेगा. ये है हमारा स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, और इसको हम क्या बोलते हैं, 10,000. दिस इज 1000 एंड दिस इज 1000 एंड दिस इज 10,000. तो दिस इज 5 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर, एंड देन व्हाट इज ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर. 5 times 9 इज ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर. देन वी कैन एक्सप्लेन इंट्रोड्यूसिंग दिस. ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर में अगर हम 1 ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर में 1 ऐड करने पर हमें मिलता है ये डिजिट, ये नंबर, और इस नंबर को बोलते हैं हम 1 lakh. आफ्टर 10,000 वी गेट 1 lakh. ये होगा हमारा स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर एंड कॉल्ड 1 lakh. आफ्टर दैट लार्जर नंबर, जैसे कि 100,000, 10,000, लैक, देन अगेन वी हैव 10 lakh. ये हमारा स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर है, और ग्रेटेस्ट 5 डिजिट, सॉरी, ये हमारा स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर है, और ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर क्या होगा हमारा, दिस. और इसमें ग्रेटेस्ट ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर में अगर हम 1 ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, टेन लैख. दिस इज कॉल्ड 10 lakh, विच इज जिसको हम लार्जर नंबर के अंदर इंक्लूड करते हैं. और जैसे कि 1000, 10,000, 10 lakh, 10 lakh, देन वी हैव आफ्टर दैट 1 crore. दिस इज स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर एंड ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर. दिस इज ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर, और इसमें हम अगर 1 ऐड करते हैं तो हमें मिलता है 1 crore. दिस इज इंक्लूड इन लार्जर नंबर. दिस इज 10 lakh एंड दिस इज 1 crore. अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे YouTube चैनल SGS मिलकपुर को सब्सक्राइब करें,
और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और फर्दर इंक्वायरी राइट इन द कमेंट बॉक्स. थैंक यू.